बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने कैंसर से जूझ रहे एक बच्चे की सलामती की दुआ की तो भगवान ने सलमान खान की दुआ को कबूल किया। वो बच्चा कैंसर को मात दे आज पूरी तरह तंदुरुस्त है। पंजाब के लुधियाना के कैंसर पीड़ित बच्चे की विश को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने पूरा किया। सलमान खान पहले मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान बच्चे से मिलने पहुंचे, फिर ठीक होने पर उसे अपने बंगले में बुलाया। इस दौरान बच्चे के साथ उसकी मां भी मौजूद रही। कैंसर पीड़ित बच्चे से मिलने सलमान खान टाटा कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे तो लुधियाना का जग्गू बोला, कैसे मान लूं आप ही हो? तो सलमान खान बोले, बाइसेप्स ब्रेसलेट टच करके पहचानो। कैंसर की बीमारी से जंग जीतने के बाद सलमान खान ने मुंबई के बांद्रा स्थित बंगले में बच्चे से मुलाकात की। 9 वर्षीय बच्चा जगनदीप जग्गू लुधियाना के मॉडल टाउन का रहने वाला है। वह कैंसर की चौथी स्टेज को 7 महीने में मात देकर घर लौटा है। उसे 3.5 साल की उम्र में 2018 में कैंसर हुआ था। इससे उसकी आंखों की रोशनी तक चली गई थी, लेकिन इलाज के बाद उसे दिखना शुरू हो गया। बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत में जग्गू ने कहा कि उसके परिवार ने उसे हौसला दिया। मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवाया। वहाँ मेक माय विश फाउंडेशन ने उससे उसकी विश पूछी कि उसे क्या चाहिए, तो उनसे कहा कि वह सलमान खान को मिलना चाहता है। संस्था के सदस्यों ने सलमान खान तक जग्गू की वीडियो पहुंचाई। 7 नवंबर 2018 में सलमान जग्गू से मिलने पहली बार टाटा कैंसर अस्पताल में पहुंचे। अब सुनिए जग्गू की सलमान से पहली मुलाकात की बातचीत। सलमान, बताओ मैं कौन हूँ? जग्गू, मुझे नहीं पता। सलमान, तू जिससे मिलने आया है मैं वही हूँ। जग्गू, सलमान सर, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आप वही हैं? सलमान, तू मेरे बाइसेप्स और ब्रेसलेट टच कर ले। जग्गू, टच कर लिया और मान लिया कि आप सलमान हो। सलमान, अब हो गई तुम्हारी तमन्ना पूरी? जग्गू, सर, तमन्ना आपको देखने की थी, छूने की नहीं। सलमान, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जग्गू, कीमो के दर्द के कारण हाथ नहीं हिला सकता, मेरी पीठ पर इचिंग हो रही है, आप कर दें। इसके बाद सलमान खान ने उसकी पीठ पर 2 बार इचिंग की। जग्गू ने कहा कि कैंसर से ठीक होने पर उसकी मां को टाटा कैंसर अस्पताल से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि सलमान खान उसे बांद्रा में स्थित बंगले में मिलना चाहते हैं। इसके बाद वह 1 दिसंबर 2023 को अपनी मां सहित सलमान खान से मिलने गया। सलमान खुद उसका वेलकम करने के लिए बंगले के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उससे कहा कि सरदार जी आने में बहुत देर कर दी, मैं खुद आपका इंतज़ार कर रहा था। करीब 1.5 घंटे वह सलमान खान के पास रहा। उसने इस समय दौरान सलमान को अपने क्रिकेट की वीडियो, स्केटिंग की वीडियो आदि दिखाई। सलमान खान ने उससे पूछा कि वह क्या खाएगा, तो उसने उन्हें कहा कि वह घर से लंच करके आया है। जग्गू ने कहा कि सलमान खान ने उसे 2 टी-शर्ट और 2 पैंट दिए हैं। एक रुमाल पर सलमान ने उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए मैसेज लिखा है। ठीक है जगन, ज्यादा वजन हो गया कह रहा है। हड्डी स्ट्रांग है ना उसकी? हाँ, हड्डी के कारण है। सलमान सर कुछ ना पहचानते, बाकी सबको कोई नहीं पहचानता। मेरा नाम जगनवीर सिंह है। की प्रॉब्लम हुई थी तुहानू छोटे हुंदे ते फिर उस तो बाद थोड़ा दस्सो की प्रॉब्लम हो गई सी, किन्नी उम्र सी थोड़ी? तदों मेरी उम्र सी 3.5 साल। अच्छा, की होया सीगा? इमीडिएट की हो गया सीगा? नहीं, जब मैं ज्योतिष रूप गुरुद्वारे गए थे फतेहगढ़ साहब, तो वहाँ पे मैं जैसे ही मत्था टेका गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, मेरी उठते ही ब्लाइंड हो गया मैं। आपने मम्मा को बताया फिर? हाँ, मम्मा को लगा ऐसे ही मैं मजाक करता रहता था, उस टाइम मम्मा को लगा ऐसे ही मजाक कर रहा है। फिर जब मैं जोड़ेघर गया, वहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, तो वहाँ पे मैं वहाँ पे हाथ मारने लग गया इधर उधर, तो मम्मा ने कहा जगन तेरे को क्या हो गया? उन्होंने कहा इधर रहे तेरे जोड़े, मैंने उधर जाके किसी और के पहन लिए। मम्मी ने कहा कि मैंने ये तेरे जोड़े नहीं है। फिर मम्मा तुरंत मुझे लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ के हॉस्पिटल कोई था, डीएमसी था, डीएमसी हॉस्पिटल। उसके बाद फिर कहाँ गया? उसके बाद फिर वहाँ के कोई जूनियर डॉक्टर ने हमको कहा कि आप सीधा टाटा हॉस्पिटल चले जाओ।
फिर हम टाटा हॉस्पिटल जा मुंबई गए, वहाँ पे एक बॉम्बे हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरी सर्जरी की। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को ट्यूमर था 4 स्टेज। कौन सा ब्रेन ट्यूमर था? बर्किट्स लिम्फोमा सर। बर्किट लिम्फोमा। अच्छा, अभी उसके बाद क्या इच्छा थी मन में, किसको मिलने की इच्छा थी तब आपकी? तब मेरी इच्छा थी सलमान सर को मिलने की, क्योंकि मैं उनकी पिक्चर्स बहुत देखता था इसलिए। अच्छा, फिर कैसे मिले सलमान सर? हाँ जी, कैसे मिले थे वो बता दो हमको। वो उस टाइम में वो नर्सिस वगैरह वहाँ पे टाटा हॉस्पिटल में मुझे पूछते रहते थे किससे मिलने आए हैं, सलमान सर से, सलमान सर नहीं मिल सकते तुझे, वो क्यों मिलने आएंगे देर से। मैंने कहा जब मैं आ सकता हूँ वहाँ, क्या कहते हैं, मैं आ सकता हूँ लुधियाने से, सलमान सर बांद्रा से भी नहीं आ सकते। फिर उस टाइम मैंने ये बोला तो मैंने सलमान सर की एक सेक्रेटरी को पता चला, तो मैंने उन्होंने सलमान सर को बताया, फिर सलमान सर मुझे 7 नवंबर को मिलने आए थे। अच्छा, कितना टाइम रहा फिर आप उनको देख सकते थे तब के नहीं देख सकते? नहीं देख सकता था। हाँ। उनका फेस तो भी थोड़ा थोड़ा याद था क्योंकि टोटली ब्लाइंड। कैसे फिर टच कैसे किया, कैसे पता चला सलमान सर ये? मैंने उनका ब्रेसलेट फील किया और बाइसेप्स। ओके, इसके कारण देख लिया। अच्छा लगा भी आपकी इच्छा पूरी हुई वो मिले आपको? नहीं, जब तब मेरी जो इच्छा थी वो नहीं देख पाया क्योंकि उस टाइम मैं ब्लाइंड था, मुझे नहीं दिखता था। जो इच्छा थी वो नहीं देख पाया। फिर उसके बाद मैं 1 दिसंबर, सर ने प्रॉमिस किया था जब अल्लाह चाहेगा देखो जब दिखना शुरू होएगा मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो मैंने अभी 1 दिसंबर 2023 को सर के घर गया था मैं। अच्छा, क्या बोले फिर वो आपको, कैसे मिले, क्या क्या आपको गिफ्ट दिए उन्होंने? उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए बिंग, पहले मैं आपको हैंकी दिखाता हूँ उन्होंने जो सर दिया। हाँ। दिखाता हूँ। हाँ। ये वाला हैंकी दिया था उन्होंने, इस पे ऑटोग्राफ दिया। गुड गुड। और मुझे ये टी शर्ट दी है सर, एक पैंट ये दी है, ये पैंट ये दी है, दिस वन पैंट रिक्वेंट हो रही है यदि ब्लैक। कितना चिर उन्होंने गल्ला की थी फिर उसे? हाँ जी, कितना उन्होंने, कितना टाइम मिला वहाँ पर? 1.5 आवर। क्या क्या बोले, क्या बोले, क्या खाया, क्या पूछा तुमसे उन्होंने? उन्होंने पूछा और सरदार जी, जब मैं आया अंदर उनका फर्स्ट वर्ड ये था कि मैंने सरदार जी बहुत समय लगा दिया आने में, 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। तो वो मम्मा उस टाइम समझ लो अंदर से मम्मा रोते हैं तो अंदर से पूरे इमोशनल हो गए थे मम्मा। मैंने कहा मम्मा क्यों कर रहे हो? मम्मा ने कहा कुछ नहीं, तू सलमान सर से बात कर। फिर मम्मा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। फिर मैं सलमान सर को अपनी वीडियोस दिखाने लग गया, क्रिकेट बैट बॉल स्केट की, और मैं उस टाइम वो भी खेलता था बास्केटबॉल वगैरह कभी कभी, तो उसकी वीडियो सलमान सर को दिखाई और फिर वो खुश हुए काफी। हाँ जी। अब क्या बोला, कब मिलेंगे फिर? फिर उन्होंने कहा आप जब भी आया करोगे मेरे साथ मिला जरूर करिए। अच्छा लगा। हाँ जी। अभी मैं एक और बार टाटा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ मैं? 3rd of March। 3rd of March। कोशिश करोगे फिर भी मिलोगे उनसे? सर ने कहा जब आओगे तब मिलना, तो अब मैं जाऊंगा तो मैंने, मैं अपनी एक टी शर्ट डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे और मैं टी शर्ट पे साइन ऑटोग्राफ लेके आऊंगा इस बार। इच्छा पूरी होगी ना आपकी, विश पूरी हुई? हाँ जी। किसने, मम्मा पापा ने और भैगू जी ने करवाई विश पूरी? क्या केने विश पूरी कराई? किसने? बनावली सर एंड टाटा हॉस्पिटल ने। ਚੰਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ ਘਟਨਾ, ਮਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨਬਾਈਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਗਨਵੀਰ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਸੀ? ਜਗਨਵੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਮਗਰ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ? ਸਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਕੀਮੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਤਮੰਨਾ ਥੀ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 2023 ਫਸਟ ਡਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਗਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਰ ਜਗਨ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਰਮਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਕੇਟਸ ਕਰਦਾ, ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਅਗਲੀ ਜਗਤ ਬਕਟਸ ਲਿੰਫੋਮਾ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।